नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज है सोमवार का दिन और आज सुबह मैं निकला था आज 8:30 बजे। और 8:30 बजे इसलिए निकला जाता है तो लेट, क्योंकि काम रोड पर है नहीं बिल्कुल। दिल्ली गवर्नमेंट ने पाबंदियां इतनी लगा रखी है जिसकी वजह से मतलब राइडें हमें मिलती नहीं है। पहले क्या होता था, सुबह जल्दी उठते थे तो जल्दी निकलना होता था। अब जल्दी निकल के भी देख चुके हैं, 6 बजे भी जाके देख लेते हैं, सुबह 5 बजे भी उठ के भी देख लेते हैं, पर कई बार होता है कि 2-2 घंटे राइड नहीं आ पाती। तो आज सुबह मैं 8:30 बजे निकला था, जब पहली राइड मुझे मदनगिरी साकेत साइड की मिली थी, फिर उसके बाद लाजपत नगर आ गया। ओला में मेरे पास ओला उबर दोनों ही है, दोनों ही एप्लीकेशन ऑन कर देता हूँ, जिसमें बुकिंग आ जाती है वही मतलब चला लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उबर में ही काम करना है या ओला में नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही है दोनों कंपनियां कमीशन एक बराबर ही काटती है। कभी ओला ज़्यादा काट लेती तो उबर मतलब अच्छा वो नहीं देती, तो कभी उबर अच्छा देती है तो ओला नहीं। तो एक तरीके से जो कमीशन है दोनों कंपनियों का सेम ही है, मतलब 25-30% कमीशन, कभी कभी 35% भी हो जाता है। तो अभी इनके बज रहे हैं 2 और अभी मेरा काम जो हुआ है आज मैंने उबर ही चलाई है, मतलब ओला में मेरे पास 2 ट्रिप आई थी जिसमें से 1 ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है। वो 211 रुपये मिले थे, 23 किलोमीटर की ट्रिप थी पहली मेरी, ठीक है। और जो दूसरी राइड आई थी वो कैंसिल हो चुकी थी, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उबर में ही सारी बुकिंग हुई है और उबर में मेरा जो अभी काम है वो आप देख सकते हैं 767 रुपये मतलब उबर में काम है और 200+ रुपये का ओला में काम है, और एक टोल इसमें ऐड कर लेंगे हम 100 रुपये का, तो तकरीबन मतलब जो टोटल काम हो चुका है वो मेरा 1000 के लगभग का काम हो चुका है, ठीक है। और अभी 2:30 बज रहे हैं दिन के, तो अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर फरीदाबाद साइड में, तो फरीदाबाद में नहर साइड में खड़ा हूँ। यहाँ पर कोई बुकिंग अभी आ नहीं रही है, 1/2 घंटा हो चुका है, तो अब सोच रहा हूँ यहाँ से निकलूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पर रुकना लग नहीं रहा, क्योंकि लोकेशन भी मैंने दोनों उसमें डाल दी है दिल्ली साइड की। अगर लोकेशन में बुकिंग आनी होती तो आ ही जाती, तो अभी यहाँ पर 10-15 मिनट और वेट करूँगा, देखता हूँ अगर आ जाती है बुकिंग तो, नहीं तो फिर दोस्तों यहाँ से निकलना पड़ेगा, निकलना ही बेस्ट है। तो आगे मैं चलता हूँ और फिर कहाँ का ड्रॉप होगा वो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आगे मैं नेक्स्ट बुकिंग में। दोस्तों अभी मैं यहाँ से फरीदाबाद से निकल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोकेशन तो डाली नहीं है, बट उबर की राइड खुली हुई है और ओला भी खोल रखी है मैंने, बट यहाँ इस लोकेशन पे ट्रिप नहीं आ रही है, तो मैं देखता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के देखते हैं। थोड़ा दिल्ली के बॉर्डर के पास में जाएंगे तो उस मे बी उस साइड पर हमें राइड मिल सकती है, तो चलिए चलते हैं आगे। और फरीदाबाद नहर साइड का है और मैं बस अब आपका जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से सोच रहा हूँ मैं अब इसमें लोकेशन लगा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो राइड आ नहीं रही है उबर में ना ओला में, तो मैं भी शायद लोकेशन डालने के बाद सब राइड आ जाए। तो चलिए मैं लोकेशन डालता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों वहाँ शाम के टाइम मतलब दिन में जब मैं फरीदाबाद पहुंचा था तो वहाँ जाके 2 घंटे मेरे पूरे ख़राब हो गए, मतलब ट्रिप ये लगा लीजिए फरीदाबाद के आसपास भी 2-3 जगह पहुंचा, मतलब खाली रहा वहाँ पर, ट्रिप नहीं आई। लोकेशन डालने के बाद भी मतलब लोकेशन भी डाली कई बार और ओला उबर दोनों में ही चेंज करी पर नहीं आई,
और हार थक के मुझे वहाँ से खाली आना पड़ा, और खाली मुझे वहाँ से आपका प्रहलादपुर होते हुए आपका ओखला की साइड में आया हूँ, तब जाके मुझे ओखला से ट्रिप मिली है। ओखला से ट्रिप मुझे कनॉट प्लेस साइड की मिली है, और कनॉट प्लेस मैंने जंतर मंतर के पास ड्रॉप किया, फिर उसके बाद मेरे को तुरंत ही ऊबर में गोम की लोकेशन मैंने डाल दी थी। तो मायापुरी लास्ट ड्रॉप है, अभी मैंने जस्ट मायापुरी ड्रॉप किया सर को, और अब मैंने ऊबर की ऐप बंद कर दी है, सिर्फ ओला में होम डेस्टिनेशन डली हुई, क्योंकि आप भी जानते हो ऊबर में राइड किस तरीके की आती है, मतलब घर के पास भी होगे 8-10 किलोमीटर की रेंज में वो उल्टा फेंक देता है लोकेशन, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए अब ऊबर ऐप बंद कर दी है, ओला में डली हुई लोकेशन, और अभी जस्ट मैं दीनदयाल हॉस्पिटल के पास से निकल रहा हूँ, हरिनगर होते हुए जनकपुरी होते हुए अपना घर की तरफ निकलेंगे। तो आज मोटा मोटा ज़्यादा मतलब काम हुआ नहीं है, लग रहा था कि काम अच्छा हो सकता था, बट अटक गया। फरीदाबाद जाना महंगा पड़ जाता है हर बार, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है कि मतलब आप काम जिस टाइम मतलब अच्छा भी होगा ना, तब उस टाइम फरीदाबाद में आपको कभी काम नहीं मिलेगा, ये आप हमेशा याद रखें। और ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल मुझे ड्राइव करते हुए हो गए हैं ओला उबर में। तो जब भी फरीदाबाद जाते हैं तो वहाँ मतलब 70% जितने भी ड्राइवर भाई हैं हमारे, तो किसी से भी आप पूछ रहे तो उधर फरीदाबाद में हमेशा अटकती ही है वो। तो अब क्या करें, क्योंकि काम होता नहीं है, इसलिए मजबूरी होती है कि कई बार हमें जाना पड़ जाता है कि चलो लंबी ट्रिप होती है, इस वजह से हम भी सोचते हैं कि चलो दो पैसे आ जाएंगे। तो आज मोटा मोटा जो काम मेरा हुआ है वो 1400 रुपये का काम हुआ है दोस्तों, 1000 रुपीज़ का तब हो गया था, और 400 रुपये का मैंने अभी काम किया है तब से लेके अब तक, मतलब बीच में 2 घंटे मेरे ख़राब हुए हैं, 2 घंटे में अगर मैं और मेरे पास ट्रिप आती तो और थोड़ा सा अच्छा काम हो जाता। तो इसमें 400 रुपये की आप CNG इसमें से हटा लीजिए, 100 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, तो वही टोटल मतलब 700-800 रुपये जो नेट अर्निंग होती है नॉर्मली, वही अर्निंग चल रही है अभी कंटिन्यू। तो धीरे धीरे काम खुले तो अब बस मैं 15-20 मिनट में घर पहुंचता हूँ, तो कल आपसे बात करेंगे फिर, ठीक है दोस्तों।